भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना संक्रमण से पीड़ित गांव में मदद के लिए प्रवासी और सामाजिक कार्यकर्ता अब लगातार बढ़ा रहे हैं हाथ। पिंडर घाटी के डुंगरी ग्राम पंचायत में इस समय कोरोना संक्रमितों की भारी तादाद को देखते हुए प्रशासन ने ग्राम पंचायत को कंटेनमेंट जोन बनाकर गांव में आवागमन प्रतिबंधित किया हुआ है। इस ग्राम पंचायत में 407 परिवार और 1557 की संख्या है और बताते चले कि अभी तक आए RT-PCR रिपोर्ट में 68 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी वजह से यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, प्रवासी लोग लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इससे पूर्व में दक्षिण कोरिया के होटल में नौकरी करने वाले मनीष भंडारी ने भी ग्रामीणों की बढ़ चढ़ कर मदद की और आगे भी मदद करने की बात कहते हैं। इसी क्रम में देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने कोरोना संक्रमित ग्राम पंचायत डुंगरी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल उनियाल के अनुरोध पर उन्होंने देहरादून से ग्रामवासियों के लिए सब्जियां, सैनिटाइजर, मास्क आदि भिजवाए हैं, जिन्हें अनिल उनियाल की कोरोना वायरस की टीम ने आइसोलेशन में रहने वाले परिवारों को घर घर जाकर बांटा। इससे पहले भी कोरोना वायरस की टीम ने अनिल उनियाल और ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों को फल, सब्जी, राशन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किए थे। राज्य स्वास्थ्य एवं पुलिस महकमा लगातार यहां निगरानी बनाए हुए है। कोरोना वॉरियर्स के मयंक उनियाल, दीपक क्षती, ज्येष्ठ उप प्रमुख कुशलानंद क्षती, वन सरपंच, संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष भगवती क्षती आदि ग्रामीणों ने भावना पांडे और कोरोना वॉरियर्स की टीम के सहयोग की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं ग्राम पंचायत में चल रही है। कंटोनमेंट जोन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे घोषित किया गया था और गांव की पूरी जो वॉरियर्स टीम है, जो युवा है, वो अनिल उनियाल और प्रधान जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और गांव में एक सकारात्मक माहौल है। पूरी जनता के द्वारा इस कोरोना से लड़ने के लिए सकारात्मक माहौल बनाया गया है और सारे मास्क और दूरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस समय सिचुएशन ग्राम पंचायत की बहुत अच्छी है। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम यहाँ पर आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जिस प्रकार से थाना इंचार्ज के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और हमारे कोरोना वॉरियर्स की जो टीम है, ज्येष्ठ प्रमुख कुशलानंद सती जी, ग्राम प्रधान नरेंद्र रावत जी और तमाम मेरे युवा साथियों ने जिस प्रकार से गांव में सकारात्मक माहौल बनाया, गांव में उनका हौसला अफजाई किया, घर घर दवाइयां, नींबू, अदरक, और मैं उन तमाम सामाजिक सरोकारों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे गांव में अपनी मदद यहां पर भेजी। सब्जियां से लेकर नींबू, अदरक और सैनिटाइज़र की हमें व्यवस्था की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा से लेकर मैं तमाम गाँव वालों का एक बार धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे गाँव में सारे लोग स्वस्थ हैं और बिल्कुल किसी प्रकार की किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है और स्वास्थ्य विभाग और सब लोग हमारा बराबर देखभाल कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यत्रा जी। पहले तो मैं यहाँ पर आप ग्राम पंचायत ठुंगरी में जो आप ये यहाँ पर पहुँचे, कितने भी हमारे यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल है 488.08 है और 407 परिवार यहाँ पर स्वागत है और 1557 की यहाँ पर जो वर्तमान में वन संख्या है और हमने यहाँ पर जो 516 आदमियों की जो सैम्पलिंग कराई थी, जाँच कराई थी और इसमें 68 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वर्तमान में थोड़ा लेवल पर आ गया है। और मैं इस चीज़ के लिए पहले तो अपने तमाम कोरोना योद्धाओं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अरण बगड़ का धन्यवाद करता हूं और फार्मासिस्ट NM उनकी सारी टीम का धन्यवाद करता हूं। दूसरा मैं यहां पर अपने SDM साहब का भी यहां पर पूरे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यहां पर जो हमारे तहसीलदार साहब हैं सुरेंद्र देव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे पटवारी जी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और हमारे चौकी इंचार्ज विनोद चौरसिया जी, मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं और खाद्यान्न जो उसी जी हैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं यहां पर विशेषकर इतने भी मेरे यहां पर सहयोगी हैं, हमारे ज्येष्ठ प्रमुख कुशलानंद सती जी, अनिल उनियाल जी और हमारी आशा कार्यकर्ता हैं और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तमाम इतने भी मेरे यहाँ पर युवा पीढ़ी हैं, इनको आप
देख रहे हैं कि आज 18 दिन से कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पर लगे हैं। और हमारे ये यहाँ पर अंकित मुनियाल जी हैं जो वर्तमान में गुजरात, इन्होंने आज यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत की हालत देखते हुए कुछ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है और हम सभी लोगों को यहाँ पर घर घर आके बांट रहे हैं। आइसोलेशन में हूँ और पहले काफ़ी बुखार आया और रिपोर्ट में पता लगा कि मैं और मेरी दो बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे मेरी समस्त ग्राम सभा भाई साहब श्री प्रधान जी रावत जी, जिस प्रमुख कुशलानंद सती जी, अनिल उलियाल जी और जो जितने भी यहाँ पे यूथ मंडली है कोरोना वायरस की, सभी ने अभूतपूर्व सहयोग दिया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे देश से कोरोना यथा भगवान तुरंत ठीक कर दें। इसके लिए मैं भगवान का श्री हरि का क्या आपको स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्या आपको यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रशासन ने लगातार देखभाल की आप यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग और जितने भी ये हमारे और स्वास्थ्यकर्मी सभी का अभूतपूर्व सहयोग रहा और समय समय पर उन्होंने हमें दवाइयाँ और ये जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने फल और सब्जियाँ इत्यादि सभी चीज़ें हमें मुहैया कराई। इसीलिए मैं इन सभी लोगों का हार्दिक से आभार व्यक्त करता हूँ।